17 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त है, जो काम करोगे सार्थक है। तो आपको ये नंबर लिखना है इस जगह जो हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। पैसा आपके दरवाजे पे भागता हुआ आएगा, आपकी तिजोरी पैसे से भर जाएगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रभावी होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं, इसलिए देवशयनी एकादशी इसको बोलते हैं, और बाद में कार्तिक सुदी एकादशी को देव जागते हैं। आषाढ़ मास की एकादशी, इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान को नया बिछोना बिछाकर भगवान को सजाओ और जागरण करके उनकी पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ मास की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी के अतिरिक्त पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, और इस दिन कहा जाता है कि विष्णु शयनोत्सव मनाया जाता है। विष्णु भगवान सो जाते हैं, देव सो जाते हैं, और समस्त भगवान का इस दिन षोडशोपचार पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, उनको षोडशोपचार विधि से पूजन करें, पूजन में पंचामृत से स्नान कराएं, जूही के पुष्प अवश्य अर्पित करें, और गद्दा तकिया मसंद आदि उपक्रम चादर आप मानसिक रूप से भी ये काम कर सकते हैं और प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई लक्ष्मी के द्वारा चरण सेवा की जाती हुई भगवान विष्णु की प्रतिमा को उपचार के द्वारा पूजा करके प्रार्थना करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद उपवास और रात्रि जागरण करें। यह उपवास एकादशी से त्रयोदशी पर्यंत 3 दिन का होता है। त्रयोदशी के दिन सम्यक पूजा करें, भगवान के सामने गाना बजाना नाचना करें भगवान के गुणगान के साथ में, तो आपको लाभ मिलता है। और इसमें स्मार्त और वैष्णव अपने एकादशी व्रत के दिन से शयन व्रत का आरंभ करें, रात्रि में शयन करें और दिन में जागरण करें और ये उत्सव संपन्न करें, तो आपको फ़ायदा मिलता है। अब नंबर की बात करते हैं। इस दिन अगर आप 1111 बार पर्ची लिखकर तुलसी के पेड़ के नीचे दाब देते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। पैसा ऐसा अनवरत रूप से आता है, पैसा भागते हुए आपके दरवाजे को सुशोभित करता है, दरवाजे के अंदर आ जाता है, तिजोरी में भर जाता है। तो 1111 नंबर अवश्य लिखें, और किससे लिखना है ये भी जान लीजिए। हल्दी के द्वारा लिखना है तो आपको लाभ मिलता है। ये पर्ची लिखकर अगर आप अपनी तिजोरी में चिपका देते हैं नंबर की पर्ची, तो भी आपको फ़ायदा होता है। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी पर्ची चिपका सकते हैं, ये ऑप्शन मैंने आपको बताया, वरना तुलसी के गमले के नीचे दाब सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं बताना चाहते कि आपने ये नंबर लिखा है, तो इस पर्ची को लिखकर तुलसी के गमले के नीचे दाब सकते हैं। अगर आप दृश्यमान करना चाहते हैं तो आपको तिजोरी में चिपकाना है अंदर की तरफ, या बाहर की तरफ भी चिपका सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह ये है अंदर की तरफ चिपकाएं। और 1111 मुख्य द्वार पे भी चिपका सकते हैं तो आपको फ़ायदा मिलता है।